देखो जैसा कि मैंने आपको अपनी बाकी वीडियोस के अंदर भी बताया है, नॉर्मल मॉनिटर के ऊपर आपकी गेमिंग नहीं हो सकती, बट एक गेमिंग मॉनिटर के ऊपर आप सब कुछ कर सकते हो। नॉर्मल काम हो गए, एडिटिंग हो गई, या फिर आपने किसी भी दूसरे पर्पस के लिए मॉनिटर यूज करना है, गेमिंग मॉनिटर आपके लिए आइडियल ऑप्शन रहेगा। तो आज की इस वीडियो के अंदर मैं आपको 7000 में मिलने वाले सबसे बढ़िया गेमिंग मॉनिटर्स के बारे में बताऊंगा। गेमिंग मॉनिटर बाय करते हो एक चीज का जरूर ध्यान रखना है कि अच्छे ब्रांड का मॉनिटर बाय करना है, ताकि आफ्टर सेल सर्विस जो मेंशन की होती है कंपनी ने वो हमें मिले, उसके अंदर हमें कोई दिक्कत नहीं चाहिए। उसके बाद बिल्ड क्वालिटी बढ़िया होनी चाहिए, पैनल भी अच्छे होने चाहिए। मैं आपको 5 सबसे बढ़िया मॉनिटर्स बताऊंगा, आपने बस इस वीडियो को एंड तक देखना है एंड आपको ये चीज पता होगी कि मेरे लिए परफेक्ट मॉनिटर कौन सा रहेगा। सबसे पहला सैमसंग का मॉनिटर है, 6500 रुपीस का करंट प्राइस है। वी ऑल नो कि जो सैमसंग की पिक्चर क्वालिटी है ना, वो मार्केट के अंदर दी बेस्ट है, चाहे उसके फोन हो चाहे उसके टीवीज हो, एंड सेम गोज विद दी मॉनिटर। मॉनिटर की भी बेस्ट पिक्चर क्वालिटी हमें मिल जाती है। 22 इंचेस इसका डिस्प्ले साइज है, फुल एचडी आईपीएस पैनल दिया गया इसके अंदर, 8-bit डिस्प्ले है, बेजललेस डिजाइन के साथ ही 75 हर्ट्ज का रिफ्रेश रेट है, 5 मिलीसेकंड रिस्पांस टाइम, 250 निट्स की ब्राइटनेस, 100% sRGB, 72% NTSC, आई सेवर मोड दिया गया इसके अंदर। ये जो सारी स्पेसिफिकेशन है ना, ये सारी स्पेसिफिकेशन एकदम ही प्रीमियम मॉनिटर्स वाली हैं, जो कि मैं सिर्फ 6500 रुपीस के अंदर मिल जाती हैं। बहुत ही अच्छा मॉनिटर रहेगा आपके लिए। HDMI एंड VGA पोर्ट्स मिल जाती हैं, इसके अलावा HDMI केबल हमें बॉक्स के साथ दे रखी है। देखो मैं आपको सिर्फ और सिर्फ वो मॉनिटर बताऊंगा जिनके अंदर हमें कम से कम 3 साल की वारंटी मिले, जो कि हमें सैमसंग के मॉनिटर के अंदर भी मिलती है, एंड वीडियो के हर एक मॉनिटर के अंदर आपको 3 साल की वारंटी जरूर मिलेगी। टिल्ट एडजस्टमेंट, वॉल माउंटेबल, ये सारे फीचर्स मिल जाते हैं। देखो इसे आपने तभी कंसीडर करना है अगर आप ओकेजनल गेमिंग करना चाहते हो, क्योंकि इसका एक नेगेटिव पॉइंट मुझे लगता है गेमिंग करते हो जो आपको फील हो सकता है, 75 हर्ट्ज का रिफ्रेश रेट और इसका जो रिस्पांस टाइम है वो भी 5 मिलीसेकंड तक है। तो आगे जितने भी मॉनिटर मैं आपको बताऊंगा वीडियो के अंदर, सभी के अंदर आपको 100 हर्ट्ज का रिफ्रेश रेट मिलेगा। ओकेजनली गेमिंग करनी है, ये मॉनिटर आपके लिए परफेक्ट ऑप्शन रहेगा। मूविंग ऑन, एसर का मॉनिटर है, 5500 रुपीस इसका करंट प्राइस है, सबसे सस्ता मॉनिटर है मेरी वीडियो का, एकदम ही बजट के अंदर हमें मिल जाएगा। 22 इंचेस की फुल एचडी VA पैनल वाली डिस्प्ले मिल जाती है, एकदम ही एज टू एज जीरो फ्रेम डिजाइन दिया गया, AMD फ्री सिंक के साथ ही इसके अंदर हमें 100 हर्ट्ज का रिफ्रेश रेट दिया गया, 100% sRGB, 72% NTSC, 1 मिलीसेकंड इसका रिस्पांस टाइम है, 250 निट्स की ब्राइटनेस। ये सारे फीचर्स हमें मिल जाते हैं, इसके ऊपर आपकी गेमिंग स्मूथली हो जाएगी, जैसी मर्जी आप इसके ऊपर गेमिंग कर सकते हो। 3 पोर्ट्स मिल जाते हैं, HDMI, VGA एंड पावर पोर्ट, HDMI एंड पावर केबल, ये दोनों केबल्स हमें साथ में मिल जाएंगी। 3 साल की वारंटी इसके अंदर भी दे रखी है, उसके अलावा टिल्ट एडजस्टमेंट एंड वॉल माउंटेबल, ये सारे फीचर्स हमें इसके अंदर मिल जाते हैं। ये मॉनिटर आपके लिए हाईली रिकमेंडेड है, सिर्फ और सिर्फ 5500 रुपीस के अंदर आपको इतने बढ़िया स्पेसिफिकेशन मिल रहे हैं एंड एसर की ब्रांड वैल्यू मिल रही है आपको। एक और चीज है, ये मॉनिटर इस पैट का वन ऑफ दी हाईएस्ट सेलिंग मॉनिटर है, गो फॉर इट। नेक्स्ट इज MSI प्रो मॉनिटर, 6000 रुपीस का करंट प्राइस है, 21.5 इंचेस की फुल एचडी VA पैनल वाली डिस्प्ले मिल जाती है, बेजललेस डिजाइन का भी, AMD फ्री सिंक के साथ, इसके जो स्पेसिफिकेशन है वो बिल्कुल ही सेम है जैसा कि एसर के मॉनिटर के थे, 100 हर्ट्ज का रिफ्रेश रेट, 72% NTSC एंड 100% sRGB। इसकी जो ब्राइटनेस है वो थोड़ी ज्यादा है, 300 निट्स की ब्राइटनेस हमें इसके अंदर मिल जाती है। उसके बाद 2 पोर्ट्स मिल जाती है, HDMI एंड VGA पोर्ट, 2 केबल्स हमें साथ में मिल जाएंगी, पावर केबल एंड HDMI केबल, टिल्ट एडजस्टमेंट, वॉल माउंटेबल, 3 साल की वारंटी, जरूर कंसीडर करो, ये भी मॉनिटर आपके लिए हाईली रिकमेंडेड है। बजट को थोड़ा आगे बढ़ाते हैं, 7300 रुपीस के अंदर दी बेस्ट मॉनिटर आपको बताता हूँ, LG का, 22 इंचेस इसका डिस्प्ले साइज है, फुल HD VA पैनल वाला मॉनिटर, ये भी बेजललेस डिजाइन के साथ ही, 100 हर्ट्ज का रिफ्रेश रेट, AMD फ्री सिंक, 250 निट्स की ब्राइटनेस, 5 मिलीसेकंड रिस्पांस टाइम है, sRGB 99% है, एंड इसके अंदर हमें 3 पोर्ट्स मिल जाती हैं, हेडफोन की भी पोर्ट दे रखी है, HDMI एंड VGA पोर्ट, HDMI केबल हमें साथ में मिल जाएगी, टिल्ट एडजस्टमेंट, वॉल माउंटेबल एंड 3 साल की वारंटी, आप इसे भी कंसीडर कर सकते हो। एंड जो मेरे अकॉर्डिंग आपके लिए इस पैट का सबसे बेहतरीन मॉनिटर रहेगा वो रहेगा एसर का मॉनिटर, सिर्फ 6500 रुपीस के अंदर हमें ये मॉनिटर मिल जाएगा। एक बहुत ही बढ़िया चीज है कि इसका जो डिस्प्ले साइज है ना वो बाकी सभी मॉनिटर्स के कंपैरिजन में बड़ा है। अभी तक की वीडियो के अंदर हमने मैक्सिमम 22 इंचेस की साइज में मॉनिटर चेक किए हैं, बट इसके अंदर हमें 24 इंचेस की डिस्प्ले साइज दे रखी है, वो भी IPS पैनल वाली, ये भी बढ़िया चीज होगी। फुल HD बेजललेस डिजाइन है, AMD फ्री सिंक, 100% sRGB, 72% NTSC, सिर्फ 1 मिलीसेकंड इसका रिस्पांस टाइम है, 250 निट्स की ब्राइटनेस एंड 100 हर्ट्ज का रिफ्रेश रेट दिया गया है। जैसी मर्जी गेमिंग करो आपको कोई दिक्कत नहीं आने वाली, गेमिंग के अलावा भी आप एडिटिंग के लिए यूज करोगे, बहुत ही ब्राइट कलर दिखते हैं, हाईली रिकमेंडेड मॉनिटर आपके लिए वाला। 2 पोर्ट्स हैं, VGA एंड HDMI पोर्ट, HDMI केबल हमें बॉक्स के साथ मिल जाएगी, वॉल माउंटेबल, टिल्ट एडजस्टमेंट एंड साथ में 3 साल की वारंटी, हाईएस्ट सेलिंग मॉनिटर है, आप इसे बिल्कुल बिंदास होकर बाय कर सकते हो। देखो ये तो मॉनिटर ऐसा बिल्कुल आंखें बंद करके आप इसे बाय कर लो, अगर आपको मॉनिटर्स के बारे में कुछ भी नहीं पता, दी बेस्ट मॉनिटर रहेगा आपके लिए। सभी के बेस्ट लिंक्स डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, बट मेरे अकॉर्डिंग जो इस पैट का सबसे बेस्ट गेमिंग मॉनिटर है वो है एसर का 24 इंचेस वाला, परफेक्ट मॉनिटर है, IPS पैनल, फुल HD रेजोल्यूशन, 100 हर्ट्ज का रिफ्रेश रेट, 1 मिलीसेकंड रिस्पांस टाइम एंड 100% sRGB, सब कुछ आपको इस बजट के अकॉर्डिंग परफेक्ट मिल जाएगा। बाकी भी जो सभी मॉनिटर्स हैं वो दी बेस्ट है, आप इनमें से किसी भी मॉनिटर को बाय कर सकते हो। अगर आपकी कोई भी क्वेरी है तो प्लीज उसे आप कमेंट सेक्शन में मेंशन कर दें, एंड अगर आपने किसी भी दूसरे बजट के अंदर मॉनिटर बाय करना है, 20 या फिर 25000 वाले मॉनिटर भी लेने हैं ना, सभी की वीडियोस आपको चैनल के ऊपर मिल जाएंगी। दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो गाइस, थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो, पीस आउट।